Hey everyone, welcome to Kids Art Creation Channel and this is Neha. और आज हम देखेंगे अफ्रीकन आर्ट पेंटिंग. ये मैं पोस्टर सीरीज एक बना रही हूँ. ये हमारा थर्ड पेंटिंग है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वॉल को हम कैसे डेकोरेट करते हैं. अब पहले वाले सीरीज़ को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी. तो मैंने एक आउटलाइन बना लिया है, ड्राइंग बना लिया है जिसे हमें पेंट करना है. और अफ्रीकन आर्ट बहुत ही ट्रेंड में है, इसे लोग बहुत ही इस तरह की पोस्टर और पेंटिंग्स को लाइक करते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला पेंटिंग कम्प्लीट किया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया. तो इसका लिंक मैं अपने चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. तो ये वाला जो पोस्टर है अफ्रीकन आर्ट का, इसके मैं 3 पोस्टर्स बनाऊंगी जिसे मैं फ्रेम करवा करके वॉल पे मैं हैंग भी करूंगी. अगर आप बोलोगे कि इसे हमें कैसे फ्रेम करवाना है या फिर वॉल को कैसे डेकोरेट करना है, तो इस पर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी, अलग से सेपरेट वीडियो. जब भी हम 3 पोस्टर, 2 पोस्टर या 4 पोस्टर का सेट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ का पे जो फ्रंट इमेज है या जो ड्राइंग है वो डिफरेंट हो सकती है, उसके कलर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है वहाँ पर हमें मैच करना है. एक जैसा ही बैकग्राउंड रखना है भले ही उसका कलर अलग हो. तो जैसा आप देख रहे हो पीछे साइड में आपको थोड़ा पहाड़ का शेड नज़र आ रहा होगा, उसी तरह का हम वो तीनों पोस्टर में मैच करके सेम लेवल पर रखेंगे ताकि वो तीनों पोस्टर को जब हम एक साथ हैंग करें ना तो वो सेट नजर आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जो भी मैंने ड्राइंग बनाया उसे हमें लाइट कर लेना है थोड़ा, ताकि पेंसिल जो हम पेंटिंग करें तो पेंसिल की लाइंस हमें पेंटिंग के ऊपर से नजर नहीं आए. इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक कलर और डार्क ब्राउन कलर लेकर के मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद जिस एरियाज को हमें कलर करना है उस पर पहले हम वाटर लगाएंगे, यानी कि पानी से गीला करेंगे. उसके बाद इसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे. एक कोट हम कर लेंगे, उसके बाद जब ये कलर ड्राई हो जाए फिर हम नेक्स्ट कोट इसके ऊपर करेंगे. मैं इस चैनल पे किड्स आर्ट क्रिएशन चैनल पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ और बहुत ही बेसिक टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ थ्रू आउट द वीडियो, ताकि जो भी बिगनर्स है वो भी एक बहुत ही अच्छे से पेंटिंग या ड्राइंग आप कंप्लीट कर सकोगे, बना पाओगे. और आपको किसी भी तरह की इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो. किड्स आर्ट क्रिएशन चैनल यानी कि इस चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल के कंटेंट को ज़रूर एक बार मैं बोलूँगी कि आप एक बार सारे कंटेंट मेरे ज़रूर देखें. पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें मेरे इस वीडियो को और लाइक करना ना भूलें. तो यहाँ पर मैंने बॉडी को कलर कर दिया है. अफ्रीकन आर्ट में जो बॉडी या स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, उसका कलर जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है. अब इसके हम ड्रेस बना लेते हैं. तो बैकग्राउंड इस बार मैं इसका वाइट ही रखने वाली हूँ और इसके जो क्लोथ्स है ना वो मैं थोड़ा सा कलरफुल करने वाली हूँ. अगर आपको पसंद है तो आप इसके बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हो, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड बिल्कुल न्यूट्रल वाइट कलर ही रखने वाली हूँ. और साथ ही साथ जैसा आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा पानी अप्लाई किया है और उसके बाद फिर इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे.
तो जैसा आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल है, बस हमें कलर अप्लाई करते जाना है, जिसके हम जहाँ पे पानी का यूज़ किए वहाँ पे हमें कलर अप्लाई करना है और कलर को उसी से स्प्रेड भी करते जाना है। यानी कि वाइट कलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें कलर को, अगर ये कलर की इंटेंसिटी को कम करनी है तो हमें पानी की हेल्प से कलर को स्प्रेड करते जाना है और कलर की जो इंटेंसिटी है उसे आप कम कर सकते हो। यानी कि वाइट का कलर बहुत ही कम यूज़ होता है वाटर कलर में। अगर आपको ऑयल पेस्टल कलर करना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो, मैंने बहुत सारे ऑयल पेस्टल के भी ड्राइंग सब के लोगों के साथ शेयर किया है और पेंसिल शेडिंग भी, पोर्ट्रेट्स वगैरह भी शेयर किया है। अगर आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो पसंद आ रही हो, ड्राइंग पसंद आई हो, तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक दें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये पोस्टर पेंटिंग का सीरीज, जिसमें मैं वॉल डेकोरेट करने के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्केचिंग पेंटिंग्स वगैरह देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।